अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ऑटो सॉल्यूशन पे मैं हूँ नबील अशरफ। वीवर, समर सीज़न हो, बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा हो और गाड़ी का एयर कंडीशनर जो है वो कूलिंग ना करे, तो यकीन करें गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा भी नहीं आता और कम सफ़र भी जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। तो जब हमारी गाड़ी का एयर कंडीशनर या एसी कूलिंग नहीं कर रहा होता तो हम इसकी तकरीबन 60-70% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एसी के कंप्रेसर पर डाल देते हैं। और डालें भी क्यों ना, ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि 60-70% एसी की कूलिंग में रोल जो है वो एसी कंप्रेसर का ही होता है। आज की वीडियो इसी हवाले से है कि अगर आपकी गाड़ी का एसी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा तो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के एसी कूलिंग में जो प्रॉब्लम है वो एसी के कंप्रेसर की है। तो व्यूअर्स, कुछ 2-3 टिप मैं आपको दे देता हूं जिससे आप बगैर किसी टेक्नीशियन को दिखाए, बिना किसी वर्कशॉप पे जाए अपनी गाड़ी के जो एसी का कंप्रेसर है उसका फॉल्ट जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। व्यूअर्स, कंप्रेसर का फॉल्ट डायग्नोस करने से पहले ज़रूरी है 2 चीज़ें हैं वो आपकी गाड़ी में पूरी होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपकी गाड़ी के जो एसी में रेफ्रिजरेंट का लेवल है, मतलब गैस का जो प्रेशर है वो पूरा होना चाहिए, गैस पूरी होनी चाहिए। और दूसरा, एसी का जो कंप्रेसर है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी जब आप एसी ऑन करें, कंप्रेसर ऑन करें तो कंप्रेसर को वर्किंग पोजीशन में आना चाहिए, कंप्रेसर को ऑन होना चाहिए। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो आप डायग्नोज नहीं कर सकेंगे कि कंप्रेसर में फॉल्ट है या नहीं है। कंप्रेसर का ऑन होना ज़रूरी है, वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा, लेकिन कंप्रेसर का ऑन होना ज़रूरी है। सो नाज़रीन, आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो वर्किंग कंडीशन में है या रुका हुआ है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये जहाँ पे आप एरो का निशान देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ क्लच है, आप देख रहे हैं कि क्लच रुका हुआ है और जैसे ही एसी ऑन करेंगे तो इस क्लच को जो वो घूमना चाहिए। ऑन करो। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि क्लच जो है वो घूमना शुरू कर दिया क्लच ने, इसका मतलब है कि ये वर्किंग कंडीशन में है। जब तक ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तब तक हम ये भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एसी ऑन कर दें, ब्लोअर ऑन कर दें, कंप्रेसर भी ऑन कर दें, गाड़ी की सारी विंडो ऊपर कर दें और दरवाजे बंद कर दें। 15-20 मिनट के लिए जो है वो गाड़ी स्टार्ट रहने दें, एसी भी ऑन रहने दें। 15-20 मिनट बाद आप गाड़ी का हुड उठाएं, हुड उठाने के बाद आप एसी की जो पाइपलाइन है वो देखें। हर एसी में जो वायरिंग होती है इसमें 2 पाइपलाइंस होती हैं, एक लो प्रेशर की लाइन होती है और एक जो है वो हाई प्रेशर की लाइन होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लो प्रेशर की लाइन है, इसके ऊपर जो सर्विस वाल लगा हुआ है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसके ऊपर एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है कि ये लो प्रेशर की लाइन है। जब आपका एसी 15-20 मिनट ऑन होगा तो ये जो लो प्रेशर की लाइन है आप इसको हाथ में पकड़ें, हाथ में पकड़ने के बाद आप इसको फील करें कि ये कितना ठंडा है, यानी ये जो पाइप है एसी का, लो प्रेशर का जो पाइप लाइन है ये कितनी ठंडी है। अगर तो ये पाइपलाइन नॉर्मल ठंडी है, मतलब आपको फील नहीं हो रहा कि जितनी ठंडी होनी चाहिए उतनी है, कम ठंडी है या आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर वीक है, वो प्रॉपर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और अगर आप महसूस करते हैं कि पाइप को पकड़ने से आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने किसी फ्रीज चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया, या किसी आप कह लें कि आपने बर्फ़ टाइप चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया, पाइप फ्रीज है, इसके अलावा इसकी एक और निशानी है कि पाइप के ऊपर नमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर और कंडेंसर जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका गाड़ी के केबन में हवा उतनी ठंडी नहीं है या केबन इतना ठंडा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर अपना काम कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है, यानी कंप्रेसर और कंडेंसर मिलकर अपना काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो है वो गाड़ी के केबन के अंदर है। अब गाड़ी के केबन के अंदर कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एवेपोरेटर इसके अंदर होता है, एवेपोरेटर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा आप कह लें कि एसी के फिल्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा जो डायरेक्शन फ्लैपर होते हैं जहाँ से हम हवा की जो डायरेक्शन चेंज करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वेंटिलेशन की लाइन ब्लॉक हो सकती है, इसके अलावा व्यूअर्स आपकी फ्रेश एयर का जो फ्लैपर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के केबल में हवा ठंडी नहीं आ रही लेकिन बाहर जो पाइपलाइन है कंप्रेसर की वो ठंडी है, फ्रीज है। क्योंकि जितनी पाइपलाइन लो प्रेशर की ठंडी हो उतनी ही अंदर हवा और केबन भी ठंडा होना चाहिए। और अगर नाज़रीन दोनों चीज़ें सेम है, मतलब पाइपलाइन भी ठंडी नहीं है और गाड़ी के केबन में भी हवा ठंडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर में फॉल्ट है, कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और व्यूअर्स, एक और आम गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि जो एसी की गैस होती है वो एसी के कंप्रेसर में स्टोर होती है। तो व्यूअर्स, एसी के कंप्रेसर में ऐसा कोई ब्लॉक, कोई बॉक्स नहीं बना होता जिसमें एसी की गैस जो है वो स्टोर होती है। एसी की गैस जो होती है वो लिक्विड या एयर फॉर्म में जो एसी की पाइपलाइन होती है, जो इसकी लो प्रेशर और हाई प्रेशर की पाइपलाइन है, इसमें
सर्कुलेट करती है। विवर्तक एक आम तासुर ये पाया जाता है कि एसी का जो कंप्रेसर होता है उसका काम होता है कूलिंग करना या कूलिंग बनाना। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एसी का जो कंप्रेसर होता है उसका कूलिंग करने से कोई तल्लक नहीं होता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कंप्रेसर, इसका काम होता है कि गाड़ी में जो रेफ्रिजरेंट है, मतलब जो इसकी लिक्विड फॉर्म में या एयर फॉर्म में जो गैस होती है उसको अच्छी तरह कंप्रेस करना, कंप्रेस करके आगे फॉरवर्ड करना। जब तक ये गैस को प्रेशर के साथ कंप्रेस करके आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक आपकी गाड़ी का जो एसी है या कोई भी एसी है वो कूलिंग नहीं करेगा। टिप नंबर दो है व्यूअर्स, आप गाड़ी ड्राइव करके भी चेक कर सकते हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि जब आप एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी 50, 60, 70 की स्पीड पर जाती है तो एसी कूलिंग करना शुरू कर देता है, और जैसे ही आप एक्सीलेटर रिलीज करते हैं तो उसके बाद जब गाड़ी पार्किंग मोड में आती है या गाड़ी की स्पीड डाउन होती है तो आप फील करते हैं कि जो गाड़ी की हवा है वो गर्म हो गई है या एसी ने काम छोड़ दिया, कूलिंग करना छोड़ दिया। तो इसका भी व्यूअर्स यही मतलब है कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर वीक है, उसमें प्रेशर नहीं है। जब आप एक्सीलेटर देते हैं तो इंजन के आरपीएम के साथ गाड़ी के कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से कूलिंग शुरू हो जाती है, और जैसे प्रेशर कम होता है कूलिंग कम हो जाती है। सो इस सूरत दोनों सूरतों में आपको जो है वो कंप्रेसर को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यूअर्स एक तीसरा तरीका है, वो ये है कि अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते, डायग्नोज नहीं कर सकते या आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप वर्कशॉप पर चले जाएँ, एसी टेक्नीशियन से बोलें कि आपकी गाड़ी का जो सर्विस वाल है, हाई प्रेशर लाइन का सर्विस वाल है, वहाँ से आपकी गाड़ी के कंप्रेसर का प्रेशर चेक करें। गाड़ी के कंप्रेसर का व्यूअर्स, एसी का जो कंप्रेसर है इसका प्रेशर 200 से 250 पीएसआई तक होना चाहिए। अगर 200 से कम है, 190 है तो भी चलेगा, लेकिन अगर 150 160 है तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर वीक है, परफॉर्म नहीं कर रहा। सो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आप ये दो तीन तरीकों, सादा से तरीकों से अपनी गाड़ी के कंप्रेसर फॉल्ट को, एसी के कंप्रेसर फॉल्ट को डायग्नोज कर सकेंगे। ये व्यूअर्स ऐसे कुछ सीक्रेट हैं जो कोई भी टेक्नीशियन या मैकेनिक आपको बताना नहीं चाहेगा, लेकिन ऑटो सॉल्यूशंस एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको अपनी गाड़ी से मुतल्लिक हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो पसंद आने की सूरत में लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा जहन में रखें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।